मंदिर के चारों ओर की इतनी गहरी खाइयां एक डर को पैदा करती हैं। ये घाटियां कब और कैसे बनी इसके बारे में सटीक जानकारी कोई नहीं दे पाता। कहानियां मनगढ़ंत होती हैं तो कुछ सच भी होती हैं, जिनमें से कुछ सुलझ जाती हैं तो कुछ केवल कहानियां बनकर ही रह जाती हैं। कुछ ऐसा ही रहस्य इस काली घाटी का है। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज की एक नई यात्रा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में फाफामऊ और शांतिपुरम से लगा हुआ एक ऐसा स्थान जो रहस्यों और प्रकृति की खूबसूरती से भरा हुआ है। इसका नाम काली घाटी है। इस स्थान पर जाने के लिए कई रास्तों में से एक सीधा रास्ता जो प्रयागराज शहर से होकर फाफामऊ और शांतिपुरम को जाता है, उसी से शांतिपुरम पहुंचने से पहले ही दाहिने तरफ एक रास्ता मुड़ जाता है। इसी रास्ते से उत्तर दिशा में सीधा जाने पर लगभग 1 किलोमीटर दूर यह स्थान स्थित है। यह स्थान प्रयागराज शहर से थोड़ा सा कटा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी शांत और प्राकृतिक वातावरण बना हुआ है। क्वार या कार्तिक के महीने में प्रसाद के रूप में यहाँ पर भारी मात्रा में भोजन वितरित किया जाता है। मंदिर के चारों ओर कुछ दूर के फासले पर गांव स्थित हैं, जिसकी वजह से यहां पर काफी सन्नाटा रहता है। यह स्थान रात के समय डरावना हो सकता है। रात के समय कुछ अनजान आने वाली आवाजों में से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, जो उस ट्रेन की होती है जिसकी पटरी घाटी के बगल से होकर गुजरी है। मंदिर के चारों ओर की इतनी गहरी खाइयां एक डर को पैदा करती हैं। ये घाटियां कब और कैसे बनी इसके बारे में सटीक जानकारी कोई नहीं दे पाता। आसपास के गांव के लोगों का कहना है कि यहां पर किसी चीज की चल रही खुदाई में कुछ खास धातुओं को पाया गया था। इस घटना के बाद वहां पर 20 से 30 फीट गहरी खाइयां लोगों के द्वारा खोदी गई। आपने अपने घर या पड़ोस के बुजुर्गों से यह कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें जमीन के अंदर सोने चांदी हीरे जवाहरात और कीमती धातुएं गड़ी होती और उनकी रक्षा के लिए सर्प या आत्माएं पहरा देती हैं। लेकिन इंसानों के लालच की कोई सीमा नहीं होती। जब वह ऐसे किसी धन को पाता है तो या तो वह किसी मंदिर का निर्माण करवाता है या उनमें से कुछ पैसों का उपयोग वह दान के कामों में करता है, जिससे उसको उन बुराइयों से छुटकारा मिल सके और वह बचे हुए धन का उपयोग स्वयं कर सके। कुछ ऐसा ही सीन इस काली घाटी का रहा होगा। बाकी की बातें तो आप समझ ही गए होंगे। वैसे अगर आप प्रयागराज आते हैं तो यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ आने पर परेशान मन को काफी शांति मिलती है। गर्मी के मौसम में जब कड़ाके वाली धूप बहुत परेशान करती है, तब कहीं दूर से हवा आकर शरीर को ठंडक पहुंचाती है। यह सब एकदम फ्री सेवाएं होती हैं जो प्रकृति द्वारा यहाँ आने पर आपको मिलती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपने संतुलन को बनाए रखना बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन इंसानों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने से इसका संतुलन कभी न कभी बिगड़ जाता है। जहाँ पर प्राकृतिक चीजें अपनी खूबसूरती बिखेरे हुए होती है, ईश्वर का आवाज भी वहीं पर होता है। काली घाटी के इस स्थल पर एक तरफ काली माता का मंदिर और दूसरी तरफ शिव जी का मंदिर स्थापित किया गया है। लोगों का मानना है कि काली माता के इस शक्तिशाली मंदिर में मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं।
आज की इस वीडियो में हमारा और आपका सफर यहीं तक था। यदि आप भी प्रयागराज यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।